और यकीन करें जो शख्स मौत को याद करता रहेगा वो गुनाह कम करेगा। तजुर्बा करें, जब आप गुनाह की तरफ जाते हो, किसी गुनाह में मुब्तिला होना चाह रहे हो या खदशा हो, तो कोशिश करो कैसे न कैसे अपने जहन में मौत का तसव्वुर लेके आ जाओ, कब्र का तसव्वुर लेके आ जाओ। अगर आपके दिल में थोड़ी बहुत नरमी होगी तो खुद ब खुद उस हराम काम से पलट आएंगे। अगर मौत का तसव्वुर अपने जहन में लेके चलेंगे, हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि मौला हुजूर क्या आप इजाजत देंगे, अतमन्ना बिल मौत, कि मैं मौत की तमन्ना करूं। हुजूर ने फरमाया तुम तमन्ना करो या ना करो तब भी तुम्हें मौत आनी है। लेकिन याद रखो, हादा सफरुन तवील, ये एक बड़ा लंबा रास्ता है, बड़ा तूलानी रास्ता है। जन्नत और जहन्नम, क्या मरने के बाद जन्नत और जहन्नम में चले जाएंगे? मैं जवानों से खिताब कर रहा हूं, मरने के बाद आज मुझे मौत आई, कल ही हम जन्नत और जहन्नम में पहुंच जाएंगे? नहीं, हादा सफरुन तवील, एक बड़ा तूलानी सफर है। वो अफराद जो रसूलुल्लाह के दौर में मरे वो कहां हैं? आज जो मर रहे हैं वो कहां हैं? बस जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट कब का है? जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट कयामत के बाद का है ना। कयामत होगी, हश्र बपा होगा, सारे के सारे महशूर होंगे और फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की अदालत सजेगी, दरबार सजेगा, फिर जन्नतियों को जन्नत की तरफ और दोजखियों को दोजख की तरफ, पुले सरात होगा, नमी दुनम, हिसाब व किताब, ये सारी चीजें बात की हैं। आज जो मर रहा है वो कहां जा रहा है? बस मैं इसी पे चंद अल्फाज आप हजरात की खिदमत में बयान करना बड़ा अहम और जरूरी समझता हूं। हजरत ने क्या फरमाया, हादा सफरुन तवील। सपोज, अब जाहिर सी बात है जब लंबा सफर है, तवील सफर है, तो उसके लिए आमादगी तो होनी चाहिए। हमें मुबारकपुर आना था, मुबारकपुर आने के लिए एक अमामा रखा, एक कबा रखी, एक रेदा रखी, एक जूते और एक टी शर्ट मिसाल के तौर पर, एक छोटी सी किताब रख ली। क्यों? क्योंकि एक दिन जाना है और पढ़ के चले आना है, एक किताब रख लो, बाई चांस कुछ अहादीस रास्ते में देखनी हो या कुछ देखना हो नया, एक किताब रख ली। लेकिन फर्ज करें हमें थोड़े दिनों के बाद करबला जाना हो, करबला जाने के लिए क्या करेंगे? क्या बस एक जोड़ी कपड़े में काम चल जाएगा? एक जोड़ी कपड़े में काम चल जाएगा? नहीं, आमादगी करेंगे, वीजा लेंगे, टिकट्स मुहैया करेंगे, वहां पे होटल्स बुक करेंगे, खाना भी देखेंगे भाई क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जैसा सफर होता है वैसी ही आमादगी होती है। अब अगर सफर मिसाल के तौर पे एक महीने का है तो एक महीने के हिसाब से हम तैयारियां करेंगे, सफर अगर एक दिन का है तो एक दिन के हिसाब से तैयारियां करेंगे। लेकिन अब तो सबको मालूम है हावा सफरुन तवील, ये एक बड़ा लंबा रास्ता है, बड़ा लंबा सफर है। अब जरा अपने गरेबान में झाके इस लंबे रास्ते के लिए और इस लंबे सफर के लिए हमने क्या तैयारियां की हैं।